भाई इसके बाद अभी एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करते हैं। अगर आपको कुछ स्टील करना हो, चोरी करना हो, एक नाम ले रहा हूँ, उनसे क्या चुराएंगे आप? आमिर खान से। उनका फिल्म सेलेक्ट करने का जो सेंस है वो। सलमान खान से क्या चुराएंगे? उनका स्वैग। शाहरुख? चार्म। अनुराग कश्यप? उनका IQ, इंटेलिजेंस जो उनके पास है। अच्छा, आप 3 बायोपिक्स के नाम बताइए जिसमें आप लीड में थे। वो तो बता ही दूंगा मैं। बताइए। माझी, मंटो ठाकरे। क्या बात है। नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो नहीं बता पाते, मुझे लगा आप नहीं बता पाए, लेकिन वो चीज़ है आपके अंदर। अच्छा, एक कोई खान जिसने विलन प्ले किया था अपनी फिल्म में। शाहरुख खान। कमाल है भाई। नेम एनी 3 थिंग्स यू कांट लिव विदाउट। ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं जिसके बिना आप नहीं रह सकते? 3 चीज़ें, मैं म्यूज़िक के बिना नहीं रह सकता हूँ, बैकग्राउंड स्कोर जो सुनता हूँ वो, उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, और कॉफ़ी के बिना, ब्लैक कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकता हूँ, और हाल ही में सबके सामने नहीं बोल सकता है, बुरी आदत है वो एक। कोई नहीं। वो समझ जाएंगे लोग। अच्छा, नेम 3 क्वालिटीज ऑफ आथिया दैट यू लाइक। 3 ऐसी क्या आथिया की क्वालिटीज आपको अच्छी लगे? पंक्चुअल हैं, मेहनती हैं बहुत, और सिंप्लिसिटी है उनके अंदर। नेम 3 मूवीज दैट मेड यू इमोशनल। ऐसी कौन सी 3 मूवीज थी जो आपको इमोशनल कर देती हैं? एक डॉक्टर की मौत थी, स्पर्श थी, और एक लाइफ ऑफ अदर्स एक फ्रेंच फिल्म थी, जर्मन फिल्म थी वो। भाई लास्ट है, एक वर्ड जो भी आप, मैं बोलूँगा, आपके जहन में पहला वर्ड या कुछ आए वो आप बताइएगा। फैमिली। नेसेसिटी। सलमान खान। एटीट्यूड। अमिताभ बच्चन। कंसिस्टेंसी। बॉलीवुड। वो नाम ही बदलना चाहिए, मतलब जो बॉलीवुड है वो बहुत ही इरिटेट करता है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री होना चाहिए या वट एवर जो भी, बट बॉलीवुड नहीं रहना चाहिए। बॉक्स ऑफिस। आई डोंट केयर। और क्रिटिक्स? डिपेंड। बहुत ज़बरदस्त आपसे बात हुई नवाज़ भाई। एट लास्ट जो आपके फैंस इस समय आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? ये जो नया अवतार है आपका, रोमांटिक अभी किंग बन रहे हैं आप, उसका उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत टाइम के बाद मैं इस तरह का रोल कर रहा हूँ, रोमांटिक रोम कॉम टाइप की फिल्म है जिसमें रोमांटिक रोल कर रहा हूँ, और एक अच्छी बात यह है कि फैमिली फिल्म है, आप पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को देखने आए, और मैंने फिल्म की भी थी इसलिए कि ताकि बच्चे भी, मेरी बच्ची भी देख सकते हैं। आप सब स्वागत है आपका, 15 तारीख को रिलीज़ हो रही है, 15 नवंबर को। थैंक यू सो मच भाई फॉर टॉकिंग टू अस, और उम्मीद करते हैं कि जैसे अभी तक आपको दर्शकों ने प्यार दिया है आपके शानदार रोल्स की वजह से, अभी ये जो नया अवतार आ रहा है, नई चीज़ें आप जो ट्राई कर रहे हो और चैलेंज दे रहे हो अच्छे अच्छे बड़े स्टार्स को, उसको लोग ज़बरदस्त प्यार दें। थैंक यू सो मच। आई एम नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यू वॉचिंग बॉलीवुड नाउ। Please share, subscribe and comments.